आईपीएल 2023 का 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच था। ये मुकाबला अपने आप में ऐतिहासिक था क्योंकि दोनों भाई आज मैदान पर थे, दोनों भाई दोनों टीम की तरफ से कप्तान थे, इसलिए मुकाबला कुछ खास था। लेकिन इस मुकाबले को और भी खास बना दिया रिद्धिमान शाह की बल्लेबाजी ने, क्योंकि रिद्धिमान शाह ने जिस तूफानी अंदाज में आज बल्लेबाजी की उसको देख कर लग रहा था कि रिद्धिमान शाह के अंदर आज रसल या हार्दिक पांड्या का आत्मा आ गई है। रिद्धिमान शाह ने तूफानी अंदाज बल्लेबाजी करते हुए 81 रन ठोक डाले केवल 43 गेंदों पर। 10 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से रिद्धिमान शाह ने कमाल किया। खास बात यह रही कि रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल की बल्लेबाजी की बदौलत 142 रनों की पार्टनरशिप हुई और यह पार्टनरशिप 13वें ओवर की पहली गेंद पर जाकर टूटी। आपको बता दें कि रिद्धिमान शाह ने आज किसी गेंदबाज को नहीं बख्शा। मोहसिन खान जैसे तेज रफ्तार वाले गेंदबाज के 2 ओवर में रिद्धिमान शाह ने 34 रन कूट डाले। आवेश खान की गेंदों को भी खूब ठोका। कप्तान कुणाल पांड्या को भी उन्होंने नहीं बख्शा। रवि बिश्नोई के ओवर में भी रिद्धिमान शाह ने लगातार बाउंड्री चौके छक्के लगाए। कुल मिलाकर बात यह है कि रिद्धिमान शाह ने आज जिस तरीके से आक्रामक रवैया दिखाया उसको देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि रिद्धिमान शाह ने मैदान पर आते ही जिस अंदाज में बल्लेबाजी की शुभमन गिल भी आज उनके आगे फीके नजर आ रहे थे। लेकिन शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह ने आज शानदार तरीके से गुजरात को शुरुआत दिलाई और 142 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके बता दिया कि गुजरात टाइटंस के पास शानदार फिनिशर के साथ साथ शानदार ओपनर भी हैं। तो आपका रिद्धिमान शाह की इस बल्लेबाजी पर, उनके इस तूफानी अंदाज पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि वास्तव में रिद्धिमान शाह का आज 2.0 अवतार देखने को मिला? कमेंट करके जरूर बताएं।